والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرباهنا وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولأنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين

هم सबके أبا व अजदाद رحم الله من قرأ الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا इमाम सलाम की खिदमत में और फिर तमाम आशान रसूल रसूल की ख़िदमत में अशरफुलंबिया हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लाम के पहले खलीफा और उम्मत मुसलमा के पहले इमाम सिद्दीक अकबर फारूक हाजुल यासुबुद्दीन

तो काफ़ी ममिन अब अचानक आएँगे लिहाजा तो गुजारिश है कि तकरीबन यहाँ के जितने ममिन अगर इस तरफ आ जाए और उससे वो कवर कर लें और करीब हो जाए क्योंकि फिर दरवाज़े के पास से सभी डिस्टर्ब होंगे शलवाद पढ़ते हैं तीन दफ़ा इस दौरान जितना समट सकें और इस तरफ आ सकें अल्लाह माशा बेहतरीन कलाम आपने सुना हमारे ने महतरम से कुछ बेहतरीन मरसिया पढ़ा सब ने और हमारे बरदर मीसा अब्बास से कि खुदाबंद तबारक वाली इन तमाम जवानों की तोफ़ीत में इजाफ़ा फरमाए और दुआए कि खुदाबा तबारक वाली ऐसे और जवान हम सबको अता फरमाए कि जो आइंदा आने वाली नस्लों में जिक्र अहल बैतम्सम को और ज़्यादा बेहतर तरीक़े से अंजाम दें और जब भी ये बात होती है मैं तो दिलाता हूँ कि हमेशा बुजुर्ग सोचते हैं कि आगे आज़ादारी का क्या होगा तो याद रखें कि बेहतर से बेहतर ही हो रही है अगर आप माजी पे कलाम के अदबार से आवास के अदबार से तादाद के अदबार से देखें तो अब माशा काम और बेहतर से बेहतर ही होता चला जा रहा है इन सब की सेहत तो व सलामती के लिए ल उम्र के लिए बरमहमद वाल महमद सलाबात एक मोमिना ने भी गुज़ारिश की फिर बाद में एक हमारे बरदर मोहर मोमिन ने भी गुजारिश की कि बलागा से कुछ गुफ्तु हो और साथ ही ये कि मौला का ख़ुद अपना इंट्रोडक्शन ख़ुद मौला की ज़बान से हो तो इन तमाम मौजूद को लेके चलने से तो याद रखें कि लोग चाहते तो हैं बलागा हो लेकिन सुनेगा कोई नहीं अब अगर कोई ये चाहे कि बलागा की आड़ में हम अपनी गुफ्तगू कर, कर दें और इधर से ज़रा सा लिया और बाकी अपना तो वो तो हम करेंगे नहीं और असल में लोग चाहते भी वही हैं लेकिन जब जाहिर है कि बलागा होगी तो असल तरीक़ा तो यही है कि हर्फ ब हर्फ अरबी भी पढ़ी जाए और उसका फिर तर्जुमा भी हो और फिर ये भी याद रखें कि तर्जुमा एक नहीं चलता जब, नहीं चलता जब, नहीं चलता जब नहीं बलागा होती है क्योंकि किसी भी जबान का तर्जमा आसान नहीं है जब तक के दो तीन दफ़ा न किया जाए मुख्तलिफ तरीक़े से तब जाके पता चलता है कि हाँ कोई इस कस्म की बात होगी क्योंकि किसी भी जबान के लिटरेचर को दूसरी जबान में मुंतकिल सौ फ़ीसद नहीं किया जा सकता चाहे लिटरेचर हो और चाहे लतीफ़े हों याद रखें और लतीफ़े से मुराद सिर्फ जोख नहीं जो भी लतीफ़ नक़ात हैं लिटरेचर के 100 परसेंट तर्जुमा नहीं हो सकते ये चीज़ जहन में रखें और फिर यह कि नहजुलबलाघा का तर्जुमा मुकम्मल हो जाए या कुरान मजीद का तर्जुमा मुकम्मल हो अब पाकिस्तान में एक और नया काम हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ में कुरान का तर्जुमा लाजमी करार दे दिया गया है तो इस जाने हम तो दिलाए कि पाकिस्तान प्री प्लान तरीके से एक सिमत जा रहा है कि पहले इस्लामियात थी इस पर हमारा तवील डिस्कशन है कि इस्लामियात नहीं होनी चाहिए दीनियात होनी चाहिए फर्क है इसमें रिलीजियस स्टडी होनी चाहिए कंपेरटिव किसी एक की नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले इसको भी देखें इसको भी देखें लेकिन वो लोग डरते हैं कि अगर दूसरों के नज़रियात बयान हुए तो जाहिर है कि हमारा तो काम ख़राब हो जाएगा जबकि होना चाहिए दीनियात अब उसके लिए मौलवियों को इस्तेमाल किया गया और मौलवियों की खपत हुई इसमें और इसमें देवबंदी और जमात वाले आगे निकल गए और बड़ा प्री प्लान काम हुआ इसमें बाकी रही कई कसर जो थी वो इमरान खान साहब ने ख़राब कर दी निसाब के हवाले से अब मुमकिन है कोई उनके हामी हो ना तो हम हामी हैं ना मुखालिफ हैं सिर्फ इतनी बात करते हैं कि औरों को मौका मिलाएँ तो उनको भी देखे देख लें लेकिन कमाल के ये भी नहीं है देख लेना चाहिए तो वो नज़र आ जाता है निसाब के मामले में और दो देवबंदी उस्तादों की जगह बना दी इमरान खान ने एक के उस स्कूलों में अरबी पढ़ाई जाए और एक कुरान पढ़ाया जाए दीनियात का एक उस्ताद होगा अरबी का एक होगा कुरान का एक होगा मज़ीद देवबंदी अस्तियत के लिए दो जॉब और निकाल रही अभी पड़सों तरसों जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में कुरान के तर्जमे के नाम से एक और जॉब निकली अब इसके बाद क्या हाल होगा तो ये जहन में रहे कि कोई कौम इतने सारे अगर रिलीजियस सब्जेक्ट पड़ेगी तो बाकी साइंसेस में आगे नहीं जा सकती होनी चाहिए सारी चीजें लेकिन इस तरह से मुसलत करके नहीं हो सकती अब यह भी जहन में रख लें कि इसका एक और बड़ा सियासी वो है मुमकिन लोग कहें कि सियासी बात हो रही है ना इसमें हमारे शिया बच्चों की परसेंटेज पर जमीन तसमान फर्क पड़ता है टॉप करने वाला सेकेंड हो जाता है यह चीज जहन में रखें अब मिसाल के तौर पर अगर हिफ्स के नाम के चंद नंबर मिल जाए यह भी एक प्लानिंग हो रही है तो क्या होगा कि फिजिक्स की क्लास में जो टॉप आने वाला होगा वो नीचे आ जाएगा मिसाल के तौर पर अगर 10 या 5 नंबर परसेंटेज के हिफ्स के दिए जाएंगे तो फिर फिजिक्स की चीज निखर नहीं पाएगी मसलन पता नहीं चलेगा कि वाकई ये फिजिक्स की वजह से इसके इतने नंबर आए या हिफ्स की वजह से आए हिफ्स अच्छी चीज है सारी चीजें अच्छी है चीजें हैं लेकिन ये जहन में रहना चाहिए कि खलत मल्त मामले को नहीं करना चाहिए और जहां पर भी खलत मलत होता है और जिस तरह से भी शिद्दत होती है उसका जो अगला मरहला होता है वो बेदीनी होती है याद रखें जितनी शिद्दत से लोग आगे जा रहे हैं वो न्यूटन के कानून के मुताबिक जितनी शिद्दत से आप बॉल मारेंगे उतनी शिद्दत से वापस भी आएगी तो ये जहां जहां दीन के नाम से ये काम हो रहा है लोग समझ रहे हैं तरक्की होगी ना याद रखें कि पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में इथियस के हवाले से सफे अबल होगा अहले सुन्नत में क्योंकि जब ये चीजें निखर के आएंगी तो बहुत सारे एतराज होंगे उसके जवाब लोग नहीं दे पाएंगे और शिद्दत पसंदी में इजाफा होगा सलवा पढ़े बर महम्मद वहम्मद हमारे भी मेम्बर के हवाले से याद रखें कि एक उसलूब होता है शेर व शायरी का जिसमें मुबालगा होता है मिसाल के तौर पर फलाना शख्स चांद है ये हकीकत नहीं है ये मुबालगा है सही है ये अच्छी चीज़ है शेर व शायरी में शेर व शायरी का दारो मदार मुबालगे पे है महावरों पर है तमसील पर है हमारे इतफाक से मेंबर का मिजाज भी यही बना दिया गया जिसको फन खिबत कहा जाता है वो दलील वाली बात नहीं कर रहे होते हैं उमूमन बुरहान वाली बात नहीं कर रहे होते हैं उमूमन वो कोशिश करते हैं कि शेर व शायरी के स्लूब में बात करें नतीजा क्या है कि कौम का एक मैार होना चाहिए अदबी लिटरेचर का एक मैार होना चाहिए इलमी तो हमारा इलमी मैार भी जो है वो लिटरेचर वाली तरफ चला गया है नतीजा क्या है कि मेम्बर पर अगर कोई इलमी बात हो तो लोग उसके बारे में तोको रखते हैं कि ना यहाँ भी जरा कुछ शेर व शायरी होती कुछ मुबालगा होता कुछ किनाए होते कुछ ऐसी बातें होती तो मजा आता तो नतीजा क्या है कि कौम इलमी ए से जितनी आगे जानी चाहिए चाहे वो मनाजरा हो चाहे वो तफसीर हो चाहे वो तारीख हो उसमें भी चाहते हैं कि जरा कुछ ऐसी इंटरटेनमेंट वाली बात हो जाए तो अच्छी है यही वजह है कि हमारे यहां बहुत सारे मौजूद पर बयान ही नहीं होते क्योंकि जिस खतीब को आप बुलाएंगे अगर वो वो वाली चीज बयान करेगा तो आप उससे फटप हो जाएंगे मिसाल के तौर तो पर एक मशहूर खतीब वाहन आलिम भी थे अब नाम हम नहीं लेते जबकि उनका बड़ा एहतराम करते हैं तो थी जनाब जैद की तो हमारे दोस्त कहने लगे आज मैं जाऊंगा बड़ी अच्छी मजलिस होगी मैंने कहा ना कुछ नहीं मिलेगा हजरत जैद के बारे में जबकि उनको बहुत कुछ मिलेगा और अगर हम जाके बात करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा लेकिन मजलिस में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा कहने लगे क्यों अच्छा वापस आया उन्होंने कहा वाक़न के बारा कुछ भी नहीं था मैंने कहा भाई हो यूँ नहीं सकता कि जो उसलूब मजलिस है उसमें वो ये नहीं कह सकते कि हज़रत जैद की वालदा का नाम ये था वालद का नाम ये था वो इस सन में पैदा हुए अगर वो उस नहज पे चलेंगे जो हिस्ट्री बयान करने की होती है तो उनका फन खिताबत ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हिस्ट्री बयान करने का वहजा अलग होता है नतीजा क्या है कि मेंबर्स से बहुत सारी चीजें माइनस हो जाती हैं क्योंकि तो होती है लोगों की कि एक ही इस्लूब और लबो लहजे के अंदर जो है गुफ्तु हो और वो लबो लहजा और स्लूब क्या होता है वन टू थ्री यानी एक जुमला का दूसरा जुमला का उसके बाद पब्लिक को उठाना है और वहां से फिर फीडबैक होगा अब जब यह सिलसिला होगा तो बहुत अच्छा है इसको हम नहीं कह रहे लेकिन बहुत सारे मौजूद इसमें बयान नहीं हो सकते खसूसा न तारीफ हो सकती है न तफसीर हो सकती है ना, ना जजिला हो सकता है ना जनाब ज़ैनब के ना जनाब उम कुलसूम के किसी के खुदबे नहीं हो सकते क्योंकि इसमें वन टू थ्री और उठाने वाला सिलसिला होगा नहीं बल्कि क्या होगा फुल्ली कंसनट्रेशन के साथ आपको सुनना होगा जरा से इधर से उधर हुए तो बात निकल जाएगी सलवा पढ़े बल महम्मद वाल महम्मद तो हमारे मेंबर पे कभी भी खुदबे और ये सारी चीजें नहीं आ सकती आ सकती हैं यहां से खुशी नहीं होगी ये चीज अहन में रखें इन तीन मजलिसों को हम डिवाइड करेंगे कल तो हमने ज्यादा फोकस किया था कि इमाम और हुज्जत और शब कदर का क्या ताल्लुक है ये मालूम होना चाहिए क्योंकि शब कदर दर हकीकत मार्फत इमाम जबान का नाम है और मार्फत इमाम जमान सलाम से मुराद न फत हमारे जमान की हर जमाने में इमाम और हजत जो है वह मरकज शब कद रहेंगे जानना चाहेंगे तो आज की हमारी गुफ्तगु में हम कोशिश करेंगे कि जो कुल कुछ कोशिश कुछ जिक्र कल हुआ था कि इस दुनिया में आने से लेकर बचपन तक के कुछ हालात तो मौला अमीरमिन के उनमें से कुछ हिस्सा वो के जो खुद मौला अमीर की अपनी जबानी है वो भी हो जाएगा और साथ में नहजुल से। बलागा। तो मौला अमीरिन के बारे में अशरफुल्बिया ने क्या फरमाया सबसे पहले अपने बारे में, में अब बलोम खुदाबन तबारक वाल ने सबसे पहले मेरा नूर खल किया है वा नूर वाहिद में और अली एक नूर से है اور پھر اور ارشاد فرمایا انا علي مني وانا منه فاطمه مني وانا منها حسن مني وانا منه حسين مني وانا, وانا منه اور پھر اسی طرح سے انهم مني وانا منهم لهمهم لحمي دمهم دمي ان کا خون میرا خون ان کا گوشت میرا گوش یعلمونی ما يؤلمونی ما, يحزنونی ما, يحزنونی ما يحزنهم जो इनको जो खुश करेगा वो मुझे खुश करेगा जो इनको हमजदा करेगा वो इनको हमजदा करेगा और हदीस से का जो एक जुमला उमूमन तर्जुमा सही नहीं हो पाता इन सलम लेमन सालमकूम वर्बन बकुम तो तर्जुमा क्या किया जाता है कि मेरी जंग उनसे है जो इनसे जंग करें मेरी सुलो उनसे जो इनसे सुलो करें ना यह तर्जुमा नहीं है इसको अगर समझना होगा तो अरबी फसाहत बलागत में एक मौजूद है कि जिसको कहा जाता है के के बाप से मिसाल तौर हम कहते हैं फलाना आदमी शरीफ नहीं है बल्कि खुद शराफत है फलाना आदमी हसीन नहीं है बल्कि खुद हसन है फलाना आदमी आदिल नहीं है बल्कि खुद आदल है ये तीन मिसालें हमने दी इसको कहा जाता है अरबी में जैद उन अदल उनके बाप से, से। यानी ये जो जैद है ये आदिल नहीं है बल्कि अदल है आदल, आदल। अब यह जहन में रहे कि अशरफुलंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा रहमत आलमीन है ये जहन में रहे और वो रहमत आलमीन फरमा रहे हैं इन्नी हर बुन लेमन हार बकुम ये नहीं कह रहे इन्नी ओ बो हारे बोले मन हार बकुम मैं जंग करूंगा उससे कि जो तुमसे जंग करेगा ना इन्नी हर बुन मैं खुद जंग हूं मैं जंग करूंगा नहीं मैं खुद जंग हूं अब आप तस्वर करें जो हमने मिसाल दी जैद के बाप से तो वो ये नहीं फरमा रहे कि मैं जंग करने वाला हूँ मैं जंग करूँगा, ना मैं खुद मुसलम जंग हूँ। ये कौन फरमा रहे हैं कि जो तमाम आलमीन के लिए रहमत है लेकिन फरमा रहे हैं जो मेरे अहले बैस से जंग करेगा मैं उसके लिए जंग खुद जंग हूं यानी तमाम आलमीन के लिए रहमत हूँ लेकिन उसके लिए जंग हूं सलवा पढ़े बर महम्मद वाल मोहम्मद मौलामीन की विलादत कहा हुई तो बड़ी तेजी से गुफ्तु अहतमाम हुआ वो ये नहीं हुआ कि दरवाजे से जाए दीवार शक हुई लेकिन आने के लिए भी जो अहतमाम हुआ दरवाजे से नहीं हुआ उसके लिए भी दीवार शक हुई ताकि जो लोग पहले नहीं देख चुके वो अब जरूर देख लें क्योंकि जाते में लोगों ने सबने नहीं देखा था लेकिन अंदर जाने के बाद जब दोबारा दीवारें मिल गईं तो अब ज्यादा खबर फैली और लोग बार बार आते थे कि अब क्या खबर है क्योंकि दरवाजा भी नहीं खुल रहा था।, था अब वो जिंदा है कि नहीं है खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा दर्द जह में थी बचीं कि नहीं बची बच्चा बचा कि नहीं बचा हर किस्म के अहतमार लेकिन खाना भी जन्नत से आ रहा है पीना भी जन्नत से आ रहा है लिबास भी जन्नत से आ रहा है अब जब दरवाजा खुला तो गम जो है जनाब हजरत फातमा बिन त्यास को सिर्फ एक है कि बच्चे ने आंख नहीं खोली है हर तरह की खुशी है लेकिन जाहिर है कि मां के लिए जो एक चीज है वो ये है कि अभी उसने मुझे भी नहीं देखा, नहीं देखा और आंख भी नहीं खुली और वो सारी मुश्किल हल हो गई कि जब अशरफुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत आलमीन ने अपनी आगोश में लिया तो मौला अमीर उलमिन की अगर बायोग्राफी बयान की जाए तो कहा जाएगा कि यह वो जात है कि जिसने आंख खोली अंबिया की आहोश में और अंबिया ने आंख बंद की मौला अमीर की आगोश में और ये बीच की पूरी जिंदगी जो है वो अशरफुल अंबिया के साथ है न फकत की जिंदगी बल्कि इससे पहले की जिंदगी और आलम यह है कि हजरत आदम ने जो तरक औला किया <coughs> उस तर के औला के भी जो आसार थे उनको खत्म करने के लिए व तलक का अलही आदम रब ही कलेमा तलक्का आदम में रब ही कलेमात तो जनाब आदम ने जो कलेमात लिए अल्लाह सुबहाना तला से वो क्या थे तो खुतुब और सुन्नी में बयान हुआ वो क्या थे तलक का आदम वो कलेमात थे

और ये जो कहा जाता है कि पंजतन का सिलसिला कोई नहीं है आजकल के नवा नासिबियों का ख़ास सिलसिला चल रहा है तो पंजतन का सिलसिला जो है वो हमेशा से था और ये मुराद यह है कि जन्नत में नाम है तो इन पाँच के हैं जनाब हज़रत आदम ने तोबा की तो इन पाँच के नामों से की दुनिया में आते हैं तो तथीर में हैं तो ये पाँच हैं और मुबाहले में जाते हैं तो पाँच हैं मौला अमीर उलमिन को अशरफ अशरफुलंबिया ने बचपन ही में ले लिया था बस एक वो मरला इस दुनिया में आने से पहले एक वो मरला इस दुनिया में आने के बाद बलागा का खुतबा नाइन्टी और बास नुस्खों के हिसाब से 190 और बास नुस्खों के हिसाब से वन और, और इस ये सबसे बड़ा खुतबा है और इस खुतबे का नाम है खुतब इसमें शैतान का और फिर इसी तरीके से जंग जमल जंग सिफीन नहरवान का जिक्र है और उसी में एक जिक्र है कि जिसकी में हम तवज्जो दिलाएं और तेजी से गुजरें और हर्फ बा हर्फ इसको पढ़ना होगा कि लंबिया ने मौला अमीरिन को ले लिया था या बलफ़ाज़ दीकर जो हमने पहले भी बयान किया कि लंबिया की किफालत फरमाई हजरत फातमा बिन तसद ने और हजरत अबू तालिब ने कब हजरत अब्दुलमतलबलातलाम के बाद और जनाब हजरत अब्दुल मुतलिफ चाहते थे कि हजरत अबू तालिब की किफालत में रहें लेकिन इसके बाद भी अपने तमाम बेटों को खड़े करके आखिर वक्त में अशरफ हज़रत अब, हज़रत अब्दुलमत सलातम ने रसूल अल्लाह सल्लम से फ़रमाया था कि तुम इनमें से जिसके साथ भी रहना चाहते हो तुम इंतबाब करो तो अशरफ लम्बिया ने हजरत हज़रतलब का इंतवाब फरमाया था उनको के बाकी चचा भी जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे लेकिन अशरफ अशरफुलंबिया ने हज़रत अब तालब का इंतहा फरमाया तो यहाँ पे कहा जाएगा कफील कौन थे अशरफुलंबिया के हजरत अबू तालिब और हजरत फातमा असद इसी तरीके से मौला अमीरिन अमीर के कफील कौन थे किसने पाला उन्हें तो मौला अमीर उलमिन को और ज्यादा कम सिनी में बिल्कुल पैदा होने कुछ दिन के बाद ले लिया था हजरत अशरफुलंबिया ने जबकि रसूल वसल्लम को हजरत अब तालिब की हिफालत में तकरीबन पांच साल के बाद और बात है मोहब्बतों का सिलसिला था दिफा का सिलसिला था इस मरहले के बारे में कासिया में मौला खुदब फरमाते हैं पहले सिर्फ तबरुक चंद जुमले अरबी के हम पढ़ देते हैं बाद में सिर्फ तर्जुमा करेंगे वरना तो ये एक डेढ़ घंटे का सिलसिला हो जाएगा कद अलिम तुम अब यहां पर मुखातिब लोगों से कद अलिम तुम तुम लोग जानते हो मोजई मेरा क्या मकाम है मिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रसूल की बारगाह सल्लल्लाहु <चारे> अलैहि व वसल्लम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है तुम लोग जानते हो यानी मशहूर सी चीज बिल कराबत बिल कराबत अल करीबत कि कितना करीबी रिश्ता है वल मंजिलत अल हसीसत और कितना खास मेरा मकाम है वजअनी फिलहज रही मुझे अपनी आगोश में वो रखते थे वना वन और मैं एक छोटा सा बच्चा था अब यहाँ आप इसका सिर्फ तर्जुमा करते हैं तुम जानते ही हो कि रसूल सल्ह वसलम से करीब की अज़ा अजीजदारी और मखसूस कदर मंजिलत की वजह से मेरा मकाम उनके नज़दीक क्या था मैं बच्चा ही था कि रसूल अल्लाह ने मुझे गोद में ले लिया था अपने सीने से चुमटाए रखते थे बिस्तर में अपने पहलू में जगह देते थे सांस सुलाते थे लोग कौन हजरत खदीजा और हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर में अपने पहलू में जगह देते थे अपने मुबारक को मुझसे मस्त करते थे अपनी खुशबू मुझे संगाते थे अब यहां पे चीज जहन में रहे कि वो जो बरकत है लुआब रसूल अल्लाह की जो बरकत है दस्ते रसूल अल्लाह की उन्हीं में से एक बरकत है जिसमें रसूल अल्लाह की उसी में से एक बरकत है खुशबू रसूल अल्लाह की उसकी जाने इशारा है कि ये मकाम किसी को भी हासिल नहीं हुआ यह मकाम किसी को हासिल नहीं हुआ यही वजह है कि लाख से ज्यादा सहाबी थे कब के जब ये आयत नाजिल हुई फकुल तालो नदू अबना व अबना कुम व नसा अना व नोसा ना व अनफोसा कुम लाख से ज्यादा सहाबी थे लेकिन निशा में अगर कोई अहल तो शराब सैदा अब नाम अगर कोई है तो है सब ये जमा के सीखे लेकिन ये दो और लाख से ज्यादा सहाबी हैं लेकिन नफ्स रसूल Allah अगर कोई है तो सिर्फ एक कौन सिद्दीक अकबर फारूक हाजल उम्म यासुबुद्दीन अमीर उलम उमिन अबी तालिब अपने मुबारक को मुझ मस्त करते थे अपनी खुशबू मुझे सुंगाते थे पहले आप किसी चीज को चबाते फिर इसका इसके बनाकर मेरे मुंह में देते थे उन्होंने ना तो मेरी किसी बात में झूठ का शायबा ना मेरे किसी काम में लफ्जश और कमजोरी देखी यानी यह तो उन्होंने बयान किया कि रसूल वसल्लम ऐसा थे लेकिन उन्होंने भी मुझे मुकम्मल पाया दोनों दोनों के दौनों एक नूर से थे। अल्लाह ने आपकी दूध बढ़ाई के वक्त ही से फरिश्तों में से एक अजीमबत मलक रूहुल कदुस को आपके साथ लगा दिया था जो इन्हें शबो रोज बुजुर्ग खसलतों और पाकिजा सीरतों की राह पर ले चलता था अब रूहलक़ुदस के बारे में यह है कि ये रसोल्ला सल वसम के साथ और आयोसम के साथ रहते हैं और अल्लाह सुबहाना व ताल की जानिब से पैगाम मुस्तकिल और रहनुमाई का सिलसिला इनका जारी रहता है तो ये फरमा रहे हैं रसूल सल्ला वम के लिए पैरवी का हुक्म देते थे और हर साल कोहे हरा में कुछ अरसा क़याम फरमाते थे यानी ये जो कोहे हरा का सिलसिला था गार हरा का हर साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे वहाँ और वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं और वहाँ मेरे अलावा कोई इन्हें नहीं देखता था कोई वहाँ नहीं देखता था इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन खदीजा के घर के अलावा किसी घर की चार दीवारी में इस्लाम न था अभी उन्होंने ऐलान नहीं फरमाया है, लेकिन अभी इस्लाम है और ये जो रसूल अल्लाह वाला इस्लाम है ये दो मरहले हैं। एक वो है कि आपने ऐलान फरमाया जैसे ही ऐलान फरमाया तो उस वक्त भी हजरत खतीजा मौला आमिर और फिर हजरत फातमा बिन असद और दीगर ने ऐलान फरमाया कि आपने जो ऐलान फरमाया है हम इसको मानते हैं लेकिन अभी क्या मरहला है कि ऐलान नहीं हुआ है और अभी ये फकत तीन हस्तियां हैं कि जो रसूल के साथ हैं और ये दो के दो बगैर ऐलान के भी रसूल मान रहे हैं बिल्कुल वैसी जैसे कि हजरत अबू तालिब लेकिन इन तीन का खास मकाम है कि में से एक बयान हो कि उनमें से एक ये था कि जब ये नमाज पढ़ते थे तो ये तीन ही होते थे कि हजरत अब्बास से किसी ने आके कहा कि ये मैं क्या देख रहा हूं ये कौन है तो उन्होंने फरमाया कि मेरा भतीजा है और ये इसकी बीवी है और ये मेरे दूसरे भाई का बेटा है तो क्या देखा कि अशरफुलंबिया ने आके खान काबा के पास नमाज शुरू की और उनके पीछे मौला अमीर और उनके पीछे हजरत खदीजा सलवा तो ये बचपन में तमाम चीजें मुनफरद थी अब यहां पर जो असल मौजू है वो क्या है, क्या है? मैं वही और रसालत का नूर देखता था यानी फ रसूल को नहीं एक खास मकाम को जो बाद में और आगे बयान होगा वही और रसारत का नूर देखता था और नबूवत की खुशबू सूंघता था जब आप पर वही नाजिल हुई तो मैंने शैतान की चीख सुनी यानी वही ये इलाही का भी मुशाह फरमा रहे हैं और मौला आमिर के कान कोई आम कान नहीं है शैतान की चीख ऐसी नहीं थी सब सुनी और शैतान की चीख को भी सुन रहे हैं जिस पर मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये आवाज कैसी है आपने फरमाया ये शैतान की है जो अपने पूजे जाने से मायूस हो गया है ए अली जो मैं सुनता हूं तुम भी सुनते हो ये असल फजीलत है ये फजीलत किसी में भी नहीं है ये साहबा का पूरा शोर मचाया जाए कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि अशरफुलंबिया ने फरमाया हो कि जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो और जो मैं देखता हूं तुम भी देखते हो रसूल अल्लाह को दो दो मिनट देख के वो मकाम हासिल नहीं हो सकता जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो अंबिया क्या क्या सुनते हैं सबसे अहम चीज वही जो मैं सुनता हूं वो तुम भी सुनते हो और क्या सुना शैतान की चीख अंबिया ने भी सुनी मोमिनीन ने भी सुनी क्या देखा नूर को मौला अमीरुल मोमिनिन अशरफ अल भी देखते थे और मौला अमीरुल मोमिनिन फर्क इतना है कि तुम नबी नहीं हो बल्कि मेरे वजीर और जानशीन हो और यकीनन भलाई की राह पे हो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि कुरैश की एक जमात आपके पास आई इसे कल थोड़ा सा बयान कर देंगे बल्कि खुलासा बयान कर दें क्योंकि तवील वाकया है कि यहां पर आपने फरमाया कि कुरैश की जमात आई और उन्होंने मुआजे के लिए दरख्वास्त की और अशरफुलंबिया ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ तुम में से कुछ बदर में मारे जाएंगे कुछ अहज़ाब में मारे जाएंगे मैं दिखा भी तुम मुआजा तुम मानोगे नहीं और उन्होंने कहा कि ये दरख्त सामने है इसको आने का हुक्म दीजिए यह पूरा वाकया तफसील से खुदब खासिया में है कि दर सामने है इसको हुक्म दें कि जड़ के साथ निकल के आए तो अशरफुल्लम्बिया ने हुक्म दिया और मौला फरमाते हैं कि जिस तरह परिंदे की आवाज़ होती है और जिस तरह शोर होता है इस तरह से शोर हुआ और दरख्त जड़ से निकला और आपने हुक्म दिया कि पास आओ वो पास आ गया और उस पर उन्होंने कहा कि अब आप हुक्म दीजिए कि ये जड़ ये दरख्त और शाखें खजूर ने मुझ पर और रसूल अल्लाह पर इस तरह झुका दी उस दरख्त में फिर उन्होंने कहा कि इसको हुक्म दें कि यह तकसीम हो जाए तो आपने हुक्म दिया कि तकसीम हो जाओ दो हिस्सों में फिर कहा कि एक को अपने पास बुलाएं पहले दूर भेजें अब तकसीम करें फिर अपने पास बुलाएं और एक से कहें कि के दूर हो जाओ यह सब करके दिखाया लेकिन उसके बाद उन्होंने वही कहा कि यह बड़ा जादू है मौला अमीर अमीरमिन ने फौरन कहा कि या रसूल अल्लाह मैं तस्दीक करता हूं तो मौला अमीर उलमिन का भी मजाक बनाया कि यह इसका खास आदमी है यानी दुश्मन भी गवाही देते थे कि यह रसूल का खास आदमी है तो मौला अमीरमिन का बचपन भी तवील है अलग अलग वाकयात हैं, लेकिन इतना कहना काफी है कि हर मरहला अशरफुल अंबिया के साथ गुजरा जिसमें से एक अहम तरीन मरहला जो था कासिया में बयान हुआ कि अशरफुल अंबिया की सबसे बड़ी फजीलत जो अशरफुल अंबिया ने मौला अमीरमिन की बयान की वो ये कि यह आली जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो और जो मैं देखता हूं तुम वो देखते हो आज वो वक्त है कि जनाब अशरफुल जनाब अशरफुल अंबिया के, जनागे अश्रफुल, जनागे अश्रफुल के जानशीन पर जरबत का वार हुआ, हुआ। और ऐसी जरबत लगी कि न फत तलवार का वार बल्कि जहर का असर भी है और जो रुमाल बंदा है वो इतना जर्द है इस चेहरे का रंग इतना जर्द हो चुका है कि जो चेहरे पे जर्द रुमाल है उसमें और मौला अली में कोई फर्क नहीं हो पा रहा अच्छ रकम या अली जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो अंबिया के मसायब में से एक मुसीबत ये थी कि फकत एक तस्वुर करें कि जब जनाब इस सैदा से फरमाया कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी तो समझें कि अशरफुलम्बिया पर कितने मसाइब पड़ गए फ़त इस जुमले की वजह से क्योंकि सवाल ये होगा कि अ फ़ातिमा तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी तो क्या रसूल अल्लाह को सिर्फ यही इलम था कि फातमा मुझसे मिलेगी नहीं वो जब उन्होंने जुमला कहा तो वो ये भी जानते थे कि अ फ़ातिमा तुम मुझसे मिलोगी इस आलम में कि पसलियाँ टूटी हुई होंगी और जो तुम्हारे शिकम में बच्चा होगा उसे कत्ल कर दिया होगा तुम होगी तो कम सेन लेकिन तुम्हारे हाथ में असा होगी तुम्हारी कमर झुक चुकी होगी हड्डियों पे फ़कत खाल रह गई होगी फ़कत जुमला बड़ा मुख्तसर था कि ए फातमा तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी लेकिन इस जुमले के साथ साथ जनाब सैयदा के तमाम मसायब अंबिया देख रहे थे यही एक मुसीबत का पहाड़ टूटा कब मौला मोमिनीन पर कि आखिर वक्त है लेकिन जनाब जैनब के मसायब देख रहे हैं आप ये जाने में रहे कोई सवाल करेगा कि जनाब जैनब ने क्यों ऐसा सवाल किया हाँ जनाब जैनब ने सवाल किया कि बाबा हदीस कियाम क्या है तो मौला ने फरमाया कि हदीस से उम एमन हक है और मैं देख रहा हूं कि तुम्हें शहर में असीर बना के लाया जा रहा है अब यहाँ पे सवाल हो कि जनाब जैनब ने क्यों सवाल किया जवाब यह है कि इमाम हुसैन की विलादत से और जनाब जैनब की विलादत से बल्कि इमाम हसन की विलादत से जो मसायब बयान बयान होना शुरू हुए और खसूस इमाम हुसैन की विलादत से जो शहादत इमाम हुसैन के मसायब बयान होना शुरू हुए और जनाब जैनब की विलादत से कि जो मसायब असीरी बयान होना शुरू हुए और जनाब उम कुलसूम की विलादत के बाद से जो मसायब असीरी बयान होना शुरू हुए तो अहले बैत के घर में ये मसायब हर वक्त बयान होते थे और ये समझ लें कि इमाम हुसैन भी तैयार थे अपनी इस कुर्बानी के लिए और जनाब ज़ ज़ैनब भी तैयार थी अपनी इस क़ुरबानी के लिए और अब मौला अमीर अमौमिन दुनिया से जा रहे हैं तो उसी क़ुरबानी के बारे में जनाब ज़ैनब दोबारा सुनना चाहती क्योंकि यह कुरबानी वो कुर्बानी होगी कि जिसकी वजह से दीन बचेगा और यह कुर्बानी वो कुरबानी होगी कि जिसके लिए जनाब इमाम हुसैन को अल्लाह सुबहाना ने खल्क फरमाया और फिर अशरफुल्म्बिया ने तैयार फरमाया जनाब सैदा और मौला अमिरम्न ने हरपत तल्कन फरमाई और इसी कुर्बानी के लिए जनाब जैनब भी तैयार हैं और अब मौला अमीर अमौमिन दुनिया से जाने वाले हैं तो जनाब ज़ैनब उसी कुरबानी के बारे में फिर सुनना चाहती हैं तो सवाल किया कि बाबा हदीस उम एम क्या है अब यह हदीस उमन क्या है तो खुलासा बयान हो कि एक दिन अशरफ लम्बिया पंजतन सब बैठे थे तो अशरफुल्बिया ने ग्रिया शुरू किया कभी जनाब सैदा के मसा सुनाए कभी मौलामीन के मसायब सुनाए कभी इमाम, इमाम अशरफुल इस उमत के हाथों जो जुलम ढाया गया उनकी आल पे उन मसायब का तस्वुर करते करते दुनिया से रुख्सत हो गए आखिर में जो आंख बंद हुई तो फातमा की मजलूमियत का मंजर देख रहे थे वही है नबी के वसी का कि मौला अमीर को कभी गुम तो लोगों को इसी कूफे में असीर बना के लाया जा रहा है और तुम लोग खौफ के आलम में हो लेकिन याद रखो कि तुम लोगों के अलावा कोई हक ना होगा उस वक्त अजरों को मल्ला अरे मौला के मसाइब का तस्वुर करें कि जैसे मैं जहर फैला हुआ है और कूफे का मंजर निगाहों के सामने वो कौन सा निगाहों के सामने मंजर है कि बोट पे सवार है बेमखना चादर है और साथ में वो मंजर भी होगा के अली का पोता अली अब हुसैन ओड पे सवार है गले में तोख है हाथों में हथकड़ियां है पाओ में बेड़िया है और शायद वो आवाज भी मौला को आ रही हो के जब कूफे में यह काफिला दाखिल हुआ तो कुछ लोगों ने सवाल किया अयो सारा तुन्ना आप लोग कहाँ के असीर हैं तो जनाबुल ने जवाब दिया नहनो सारा आल